नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। अध्याय 11 का भाग 7 तक हम लोगों ने पढ़ लिया और आज हम बताएंगे भाग 8। प्रीवियस सेशन में हमारा जो टॉपिक चल रहा है इस अध्याय का, वो है पुनर्युगज डीएनए तकनीकी की क्रियाविधि। और इसमें बताया गया कि यह कई चरणों में पूर्ण होता है। सबसे पहला चरण है वांछित डीएनए खंड अथवा जीन का बिलगन एवं भरण, इसके बारे में भी हमने बता दिया। दूसरा चरण है वाहक डीएनए अणु का चयन, ये भी हो चुका है। और तीसरा चरण है वांछित विजातीय डीएनए खंड को वाहक डीएनए अणु से जोड़कर पुनर्योगज डीएनए बनाना, और इसे भी हमने बता दिया है। उसके बाद से चौथा जो चरण आता है वो क्या है, तो पुनर्योगज डीएनए अणु को पोषक कोशिका में स्थानांतरित करना और उससे लाभदायी उत्पाद प्राप्त करना। ये जो है कौन सा चरण है, तो चौथा चरण है और ये अंतिम चरण है, और इसके बारे में जो है आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से, और अभी आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस बेल आइकन को प्रेस करिएगा और इसे अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन जो होगा इस अध्याय का भाग 8, जिसमें हम जानेंगे पुनर्युगज डीएनए तकनीकी की क्रियाविधि का चौथा चरण जो है क्या, पुनर्युगज डीएनए को पोषक कोशिका में स्थानांतरित करना। यानी कि हमारे पास जो है पुनर्युगज डीएनए बन चुका है, ये जो है पुनर्युगज डीएनए है। पुनर्युगज डीएनए में दो स्रोत से डीएनए को जोड़ा गया है, दो स्रोत से डीएनए को जो है जोड़ा गया है। ये जोड़ा गया जो पार्ट है ये इंसुलिन वाला है और ये जो पार्ट है वो प्लाज्मिड वाला है। अब इसे क्या किया जाता है कि किसी पोषक कोशिका में, ये जो है पोषक कोशिका, ये क्या है, तो पोषक कोशिका, पोषक कोशिका में इसको जो है स्थानांतरित किया जाता है। ये पोषक कोशिका में इसे स्थानांतरित कर लिया गया। अब यहाँ पे क्या होता है, तो इसका द्विगुणन होता है, यानी कि स्वप्रकृति होता है। यानी कि यह जो है एक से दो, दो से चार, चार से आठ, इस तरह से संख्या में जो वृद्धि करता है। और इस तरह से इसमें जो है इंसुलिन वाले जीन का भी स्वप्रकृति होने लगता है। तो यही है कि ये पुनर्युगज डीएनए को पोषक कोशिका में स्थानांतरित करना। इसे स्थानांतरित क्यों किया जाता है, क्योंकि हमें भारी मात्रा में उत्पाद प्राप्त करना है, यानी कि अधिक मात्रा में हमें इंसुलिन प्राप्त करना है, या जिस चीज़ का हम पुनर्युगज डीएनए बनाए हैं उसे प्राप्त करना है। तो इसलिए क्या किया जाता है कि पुनर्युगज डीएनए को कहाँ पे, तो पोषक कोशिका में स्थानांतरित किया जाता है। और यही पुनर्युगज डीएनए तकनीकी की क्रियाविधि का चौथा प्रोसेस है, पुनर्युगज डीएनए अणु को पोषक कोशिका में स्थानांतरित करना। अब जो पोषक कोशिका है, ये कोशिका जीवों में दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। दोनों कोशिकाओं में जो है इस पुनर्युगज डीएनए को स्थानांतरित किया जा सकता है, दोनों कोशिकाओं में स्थानांतरित किया जा सकता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी। दोनों कोशिकाओं में स्थानांतरित करने की अलग अलग विधियां हैं, दोनों कोशिकाओं में इसे स्थानांतरित करने की अलग अलग विधियां हैं, और अलग अलग तरह से जो है उसे क्या किया जाता है, पुनर्युगज डीएनए को पोषक कोशिका में स्थानांतरित किया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती हैं, तो वे कोशिकाएं जिसमें कि डीएनए अणु नग्न अवस्था में होता है, यानी कि केंद्रक का पूर्ण रूप से विकास नहीं होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है कह सकते हैं, तो ऐसे कोशिका को जो है बोला जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। जैसे कि जीवाणु है, माइकोप्लाज्मा है, नीले हरे शैवाल है, ये क्या है, तो इनकी कोशिका जो है प्रोकैरियोटिक होती है। और यूकैरियोटिक वेल डेवलप कोशिका होती है, और जैसे कि जंतुओं की कोशिका, पौधों की कोशिका, ये कौन सी कोशिका होती है, तो यूकैरियोटिक कोशिका होती है। और दोनों प्रकार की कोशिकाओं में हम क्या कर सकते हैं, तो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को स्थानांतरित कर सकते हैं। और कैसे करते हैं, तो अलग अलग विधियों से, और इसी के बारे में जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या चीज़, तो
पोषक कोशिका में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को स्थानांतरित करना। सबसे पहले जाना जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में, किसमें? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन से जीवों में पाया जाता है? जैसे कि जीवाणु में, माइकोप्लाज्मा में, नीले हरे शैवाल में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो जीवाणु है, पहले जीवाणु में ही क्या किया जाता था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को स्थानांतरित किया जाता था। लेकिन आजकल जो है जीवाणु में, कौन से जीवाणु को? तो ई कोलाई में जो है स्थानांतरित किया जाता था। लेकिन आजकल जो है दूसरे जीवाणु में भी, जैसे कि बैसिलस सबटिलिस, उसके बाद से ईस्ट में भी क्या किया जाता है, तो पुनर्योगज डीएनए को स्थानांतरित किया जाता है। पहले केवल जो है इसी में किया जाता था, किसमें? तो ई कोलाई जीवाणु में। आजकल जो है बैसिलस सबटिलिस में भी पुनर्योगज डीएनए को स्थानांतरित किया जा सकता है, ईस्ट में भी पुनर्योगज डीएनए को स्थानांतरित किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस तरह से, कौन सी विधि द्वारा हम पुनर्योगज डीएनए को स्थानांतरित करते हैं। इसमें जो पहला विधि हम जानेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या करना, तो पुनर्योगज डीएनए को स्थानांतरित करना। और पहला विधि आएगा क्या, तो संवर्धन माध्यम में अंतर्ग्रहण। सबसे फर्स्ट विधि है संवर्धन माध्यम से अंतर्ग्रहण, संवर्धन माध्यम से अंतर्ग्रहण, और इसे इंग्लिश में बोला जाएगा इंजेक्शन फ्रॉम कल्चर मीडियम, इंजेक्शन फ्रॉम मीडियम, ये विधि है। इसमें होता क्या है, संवर्धन माध्यम से अंतर्ग्रहण यानी कि इंजेक्शन फ्रॉम कल्चर मीडियम, इसमें क्या किया जाता है? तो इसमें हमारे पास जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ये वाला कौन सा डीएनए है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारे पास उपस्थित है। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम कैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका में हम स्थानांतरित करेंगे? जैसे कि हमारे पास एक कोशिका है जो है कौन सी, तो ई कोलाई कोशिका है, यही जो है पोषक कोशिका है, यानी कि पोषक कोशिका में हमें जो है क्या करना है, स्थानांतरित करना है। अब इस पोषक कोशिका के पास जो है अपना जो है ये डीएनए होगा, और इसी में जो है हमें क्या करना है, इसको स्थानांतरित करना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को स्थानांतरित करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इस पोषक कोशिका को लाइसोजाइम द्वारा ट्रीट करते हैं, यानी कि पोषक कोशिका में लाइसोजाइम एंजाइम डाला जाता है। कौन सा, तो लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम क्या करता है कि इसकी कोशिका भित्ति को पारगम्य कर देता है, इसकी कोशिका भित्ति को पारगम्य कर देता है, जिस कारण से क्या होता है, कोई भी पदार्थ इसके अंदर आ सकता है या अंदर का पदार्थ जो है बाहर जा सकता है। तो लाइसोजाइम द्वारा इसे ट्रीट करते हैं, और ट्रीट करने के कारण इसका जो ये कोशिका द्रव्य है वो पारगम्य हो जाता है, जिस कारण से क्या होता है कि कोई भी पदार्थ अंदर बाहर आ जा सकता है। अब इसे क्या करते हैं, तो संवर्धन माध्यम में रखते हैं। जब हम संवर्धन माध्यम में रखते हैं, संवर्धन माध्यम क्या होता है, तो पोषक माध्यम, मतलब कि इस कोशिका को जो आवश्यक पोषक चाहिए
वह पोषक जो है इस घोल से, इस माध्यम से जो है इसे प्राप्त हो जाएगा, यानी कि संवर्धन माध्यम से पोषक जो है इस सेल के अंदर जाएगा और अंदर का जो पार्ट है वो बाहर आएगा। इसका मतलब ये है कि इसमें का जो भी पदार्थ होगा ये कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा, इस पोषक कोशिका के अंदर। क्यों? क्योंकि इसे जो है लाइसोजाइम द्वारा ट्रीट किया गया है, और ये लाइसोजाइम ने क्या किया है तो इस सेल वाल को पारगम्य कर दिया है। अब क्या किया जाता है कि इसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, यानी कि पुनर्योगज डीएनए को इसमें डाला जाता है। पुनर्योगज डीएनए को जो है इसमें क्या किया जाता है तो डाला जाता है, किसमें? संवर्धन माध्यम में। ये पुनर्युगज डीएनए क्या होता है कि इस पोषक तत्व के साथ, पोषक पदार्थ के साथ चला जाता है, किसमें? तो बैक्टीरिया के अंदर। ये कौन सा बैक्टीरिया है? तो ई कोलाई बैक्टीरिया है, तो इसके अंदर चला गया, क्योंकि ये तो इसकी कोशिका भित्ति पारगम्य हो चुकी है। अब जो है यहाँ पे आया, तो ये जो कोशिका है इस डीएनए को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मान लेती है कि अपना ही डीएनए है, और इस तरह से इसके साथ ट्रीट करती है, व्यवहार करती है, और जिस कारण से इस डीएनए का द्विगुणन होने लगता है, यानी कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से इसका जो है द्विगुणन होने लगता है, और इसमें जो है क्या होता है, अधिक से अधिक रिकॉम्बिनेंट डीएनए की वृद्धि होती है। तो इस तरह से जो है हम क्या कर सकते हैं, तो डीएनए को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को पोषक कोशिका के अंदर स्थानांतरित कर सकते हैं। ये जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका के लिए है, क्या? संवर्धन माध्यम से अंतर्ग्रहण, यानी कि संवर्धन माध्यम में हम क्या करते हैं कि इसको रख देते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए अन्य पोषक पदार्थों के साथ कोशिका के अंदर चला जाता है, प्रवेश कर जाता है, और यही है कि आप पुनर्योगज डीएनए अणु को पोषक कोशिका के अंदर में स्थानांतरित करना, और हमने यहाँ पे स्थानांतरित कर लिया। ठीक, तो इतनी बातें जो है आप समझ लिए होंगे। अब जो है लिखिएगा, हेडिंग बनाइएगा ये वाला, पुनर्योगज डीएनए अणु को पोषक कोशिका में स्थानांतरित करना, और लिखिएगा इसमें पुनर्योगज डीएनए अणुओं को पोषक कोशिका के अंदर पहुंचाया जाता है। ई कोलाई जीवाणु को मुख्यतः पोषक कोशिका के रूप में प्रयोग किया जाता था, किंतु आजकल बैसिलस सबटिलिस तथा ईस्ट कोशिकाओं को भी पोषक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके लिए कई विधियां हैं। पहली विधि, हेडिंग बनाइएगा, संवर्धन माध्यम से अंतर्ग्रहण, यानी कि इंजेशन फ्रॉम कल्चर मीडियम। इसमें लिखना है लाइसोजाइम द्वारा इनकी कोशिका भित्ति को पारगम्य बनाया जाता है। वही बात हमने बताया, लाइसोजाइम द्वारा ये जो पोषक कोशिका है इसे क्या किया जाता है, पारगम्य बनाया जाता है। आगे लिखिएगा, फिर इन कोशिकाओं के संवर्धन माध्यम में पुनर्योगज डीएनए मिला दिया जाता है। वृद्धि करते हुए जीवाणु पोषक पदार्थों के साथ साथ पुनर्योगज डीएनए को भी अंदर ले लेते हैं, मतलब कि पोषक कोशिकाओं, पोषक पदार्थों के साथ साथ इस पुनर्योगज डीएनए को भी अंदर ले लेते हैं, यानी कि यह भी अंदर चला जाता है। यही है क्या, तो संवर्धन माध्यम से अंतर्ग्रहण। ये एक पार्ट हमने यहाँ पर बताया किसका, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या कराना, तो पुनर्योगज डीएनए को भेजना, स्थानांतरित करना, किस विधि द्वारा, तो संवर्धन माध्यम से अंतर्ग्रहण द्वारा, यानी कि इंजेशन फ्रॉम कल्चर मीडियम। ये चीज़ें जो है आप समझ लिए होंगे। अब जो है हम दूसरा प्रोसेस जानेंगे, यूकैरियोटिक कोशिका में पुनर्योगज डीएनए को स्थानांतरित कराना, यानी कि भेजना, कैसे जो है पुनर्योगज डीएनए को यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भेज सकते हैं। तो अगला हमारा हेडिंग हो जाएगा, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पुनर्योगज डीएनए स्थानांतरित करना। चलिए ये जो है पार्ट हम मिटाएंगे, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए,
क्या करेंगे, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पुनर्योगज डीएनए स्थानांतरित करना। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पुनर्योगज डीएनए स्थानांतरित करना। प्रोकैरियोटिक के बारे में तो हो गया, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कैसे हम स्थानांतरित करते हैं। तो अभी हमने बताया कि ये जो है वेल डेवलप कोश सेल होती हैं, यानी कि जंतु और पौधों की कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका होती हैं, और इसमें जो है कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को भेजना है, कैसे स्थानांतरित करना है। तो इसकी भी कई विधियां हैं। तो सबसे पहली विधि है इलेक्ट्रोपोरेशन। सबसे पहली विधि इसमें पढ़ा जाएगा क्या चीज, तो इलेक्ट्रोपोरेशन, ये जो है पहली विधि है। तो इसमें क्या किया जाता है इलेक्ट्रोपोरेशन में, तो ये यूकैरियोटिक कोशिका के लिए होता है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में हमें क्या करना है, तो पुनर्युगज डीएनए को भेजना है। जैसे ये जो है यूकैरियोटिक कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका, ये इसका जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इसके आसपास जो है ये जो दिख रहे हैं ये क्या है, तो पुनर्योगज डीएनए है। पुनर्योगज डीएनए, और इस पुनर्योगज डीएनए को क्या करना है, इसमें भेजना है, इस यूकैरियोटिक कोशिका में भेजना है। तो इसके लिए हमें जो प्रोसेस, जो विधि करनी है, जो वह है क्या, इलेक्ट्रोपोरेशन। क्या चीज, तो इलेक्ट्रोपोरेशन। तो इलेक्ट्रोपोरेशन कब किया जाता है, तो अति उच्च वोल्टेज वाले क्षणिक विद्युत माध्यम में। जब इस सेल को अति उच्च वोल्टेज वाले क्षणिक विद्युत माध्यम में रखा जाता है, तो ये क्या होती है कि ये पूर्व में टूट जाते हैं इस तरह से। ये जो है इनमें बहुत सारे छिद्र हो जाते हैं, ठीक है, और ये आयनित हो जाते हैं। और कौन से आयन हो जाते हैं इसमें, तो प्लस पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयनित हो जाते हैं। और पता है कि जो डीएनए अणु होता है, डीएनए अणु होता है वो क्या होता है, तो निगेटिव चार्ज होता है। डीएनए अणु कैसा होता है, तो निगेटिव चार्ज होता है डीएनए अणु पर, यानी कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। ये कैसा है, तो इस पर निगेटिव चार्ज है। अब जो है इनमें आकर्षण होता है, पॉजिटिव और निगेटिव, और जिस कारण से इस छिद्र के माध्यम से, इस पोर के माध्यम से जो है ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रवेश कर जाते हैं। कहाँ पे, तो कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर, यानी कि उसके बाद से ये जो है छिद्र बंद हो जाते हैं। ये छिद्र क्या हो जाते हैं, तो बंद हो जाते हैं, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है सेल के अंदर चला जाता है। तो यही विधि कहलाती है इलेक्ट्रोपोरेशन, यानी कि विद्युत क्षेत्र में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो आयनित हो जाती है, जिससे जो पुनर्युगज डीएनए पर जो आयन होते हैं उनमें आकर्षण के कारण ये छिद्र के माध्यम से प्रवेश कर जाते हैं सेल के अंदर, और पुनर्युगज डीएनए चला गया कहाँ पे, तो सेल के अंदर चला गया। और इस तरह से जो है इसी प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोपोरेशन, ठीक। तो इलेक्ट्रोपोरेशन भी हो गया, और इसमें लिखिएगा इलेक्ट्रोपोरेशन, हेडिंग डालिएगा, और इसमें लिखना है, सबसे पहले हेडिंग ये डालना है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पुनर्युगज डीएनए स्थानांतरित करना, और इसमें पहला हेडिंग हो जाएगा इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन इसमें लिखिए, अति उच्च वोल्टेज वाले क्षणिक विद्युत माध्यम से किसी कोशिका में
पुनर्युगज डीएनए को पुनः स्थापित करना इलेक्ट्रोपोरेशन कहलाता है। प्रोटोप्लास्ट या नग्न कोशिका को पुनर्युगज डीएनए वाले आयनीय विलयन में निवेशित किया जाता है जिससे इनका इलेक्ट्रोपोरेशन हो जाता है। तो ये चीज है इसमें इलेक्ट्रोपोरेशन के बारे में, ये भी हमने बता दिया इलेक्ट्रोपोरेशन क्या होता है। इलेक्ट्रोपोरेशन क्या होता है इसके बारे में हमने बता दिया। अब जो है इसका फिगर भी बना सकते हैं। अब जो है हम आगे अगला प्रोसेस जानेंगे जो होगा क्या, माइक्रो इंजेक्शन। चलिए इसे मिटाते हैं और दूसरा प्रोसेस इसमें जानते हैं, माइक्रो इंजेक्शन। दूसरा प्रोसेस क्या हो जाएगा तो माइक्रो इंजेक्शन। ये है क्या, माइक्रो इंजेक्शन के बारे में समझा जाए। माइक्रो का मतलब है सूक्ष्म, यानी कि ये जो है अति सूक्ष्म अणुओं में क्या किया जाएगा तो पुनर्युगज डीएनए को स्थानांतरित किया जाएगा। अति सूक्ष्म अणु जैसे कि अंडाणु, ठीक है ना, अंडाणु जैसे सूक्ष्म अणुओं में, ठीक है ना, इसे क्या किया जाएगा, पुनर्युगज डीएनए को स्थानांतरित किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, अंडाणु जैसे सूक्ष्म कोशिकाओं में, पोषक कोशिकाओं में क्या करना है तो पुनर्युगज डीएनए को स्थानांतरित करना है। तो इसके लिए हम जो विधि यूज करते हैं वो है माइक्रो इंजेक्शन। हमारे पास जो है एक कोशिका है, एक ये कोशिका है, कौन सी कोशिका है, अंडाणु की। तो इसका अपना जो है केंद्रक होगा, ये जो है न्यूक्लियस है, इसका अपना जो है क्या होगा तो केंद्रक होगा। अब इसमें क्या करना है, पुनर्युगज डीएनए को स्थानांतरित करना है, तो इसके लिए क्या किया जाता है कि माइक्रो मैनिपुलेटर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे दो माइक्रो मैनिपुलेटर यूज किया जाता है और उसे जो है लो पावर वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है, यानी कि ये अति सूक्ष्म कोशिका है तो सूक्ष्मदर्शी से देखने की आवश्यकता पड़ेगी, तो लो पावर वाले सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो है इसे क्या किया जाता है, देखा जाता है। और इसमें जो है पुनर्युगज डीएनए को स्थानांतरित करने के लिए जो है माइक्रो मैनिपुलेटर का प्रयोग किया जाता है, दो माइक्रो मैनिपुलेटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एक जो है एक माइक्रो मैनिपुलेटर ये है, इसके द्वारा क्या किया जाता है कि इस अंडाणु को पकड़ लिया जाता है ताकि ये इधर उधर ना हो, मतलब कि अपने स्थान पे अस्थाई रहे, यहाँ से हटे ना, जिसके द्वारा कि हम क्या करेंगे इसमें पुनर्युगज डीएनए को स्थानांतरित करेंगे, भेजेंगे। तो यहाँ पे जो है ये एक माइक्रो मैनिपुलेटर है और इसे बोला जाता है क्या चीज़, तो होल्डिंग पीपेट। यह है होल्डिंग पीपेट, एक प्रकार का क्या है, माइक्रो मैनिपुलेटर है। और दूसरा माइक्रो मैनिपुलेटर जो है कांच का सिरिंज के रूप में यूज करते हैं, ठीक है ना, कांच की सिरिंज जिसमें कि नीडल होता है, जिसमें कि क्या होता है तो निडिल होता है, और इसी में जो है ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को भर लिया जाता है और इसे बोला जाता है क्या चीज, तो माइक्रो इंजेक्शन। ये जो है दूसरा क्या है, तो दूसरा माइक्रो मैनिपुलेटर है जिसे बोला जाता है माइक्रो इंजेक्शन।
और इसके द्वारा जो है क्या किया जाता है कि इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इस कोशिका में, पोषक कोशिका में, ये क्या है तो पोषक कोशिका है, तो पोषक कोशिका, अंडाणु रूपी पोषक कोशिका में स्थानांतरित किया जाता है। और यही प्रोसेस कहा जाता है माइक्रो इंजेक्शन। इसमें क्या किया जाता है कि ये प्रोसेस करते समय जो है लो पावर वाले सूक्ष्मदर्शी से इसको जो है देखते रहना पड़ता है, यानी कि इसको बराबर देखते रहना पड़ता है ताकि ये इधर उधर ना हो। तो ये है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन में क्या किया जाता है कि सबसे पहली बात कि लो पावर वाले सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है, दूसरी बात कि इसमें जो है माइक्रो मैनिपुलेटर का प्रयोग किया जाता है, दो माइक्रो मैनिपुलेटर होते हैं, और उस कोशिका में स्थानांतरित किया जाता है जो अति सूक्ष्म हो, जैसे कि अंडाणु कोशिका। हमने यहाँ पे अंडाणु कोशिका लिया, ये इसका न्यूक्लियस है और ये जो है पोषक कोशिका के रूप में इसे हम यूज कर रहे हैं, यानी कि इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम क्या करेंगे, भेजेंगे। उसके बाद से क्या होगा कि इसमें सबसे पहला माइक्रो मैनिपुलेटर जो होता है उसे बोला जाता है होल्डिंग पिपेट, इसके द्वारा जो इस अंडाणु को पकड़े रहा जाता है। दूसरी बात, दूसरा जो माइक्रो मैनिपुलेटर होता है वो है माइक्रो इंजेक्शन, और इसके द्वारा जो है क्या किया जाता है कि ये जो है एक कांच का सिरिंज होता है और उसमें जो है सुई नीडल लगी होती है, और इसी के माध्यम से क्या किया जाता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है और इस कोशिका के, यानी कि पोषक कोशिका के अंदर भेजा जाता है, और यही सारा प्रोसेस जो है बोला जाता है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन, ये चीज़ें जो है आप समझ लिए होंगे, और हम जो है इसका अब यहाँ पे नोट्स बोलेंगे, आप हेडिंग बनाइएगा। दूसरा प्रोसेस है माइक्रो इंजेक्शन, और इसमें लिखिएगा माइक्रो मैनिपुलेटर्स की सहायता से कोशिकाओं के अंदर निषेचित अंडे के केंद्रक तथा एक या द्विकोशिकीय भ्रूण में फोरिजन डीएनए को पहचानने की तकनीकी को माइक्रो इंजेक्शन कहते हैं। माइक्रो इंजेक्शन असेंबली में एक निम्न आवर्धन यानी कि लो पावर वाला स्टीरियोस्कोपिक डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप तथा दो मैनिपुलेटर्स होते हैं। आगे लिखिएगा, माइक्रोस्कोप द्वारा डीएनए पुनः स्थापन की प्रक्रिया के समय कोशिका या अंडाणु को देखते रहते हैं। एक विशेष प्रकार की माइक्रो मैनिपुलेशन में कांच का एक माइक्रो पिपेट होता है जो आंशिक चूसक द्वारा अंडाणु को स्थिर रखता है, इसे होल्डिंग पिपेट कहते हैं। एक अन्य प्रकार के माइक्रो मैनिपुलेटर में कांच की एक इंजेक्शन नीडल होती है, इसका प्रयोग अंडाणु या इसके कोशिका द्रव्य में या नर के प्राग केंद्रक में डीएनए को पुनः स्थापित करने के लिए किया जाता है। इस तकनीकी का प्रयोग जंतु कोशिकाओं तथा पादप कोशिकाओं के प्रोटोप्लास्ट में किया जाता है, पादपों के प्रोटोप्लास्ट में किया जाता है। तो ये रहा पूरा सेकेंड विधि जो है क्या, माइक्रो इंजेक्शन का। अब जो है तीसरा जाना जाएगा वो क्या होगा, माइक्रो प्रोजेक्टाइल। तो ये पार्ट जो है यहाँ पे हम मिटाएंगे, तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद से जो है हम तीसरी विधि के बारे में जानेंगे। तो तीसरी विधि क्या है, तीसरी विधि के बारे में अब हम बात करेंगे। सबसे पहले जो है इस विधि को हम लिख लेते हैं, सबसे पहले इस विधि को लिख देते हैं, वो क्या है तो माइक्रो प्रोजेक्टाइल, तीसरी विधि है माइक्रो प्रोजेक्टाइल या बायोलिस्टिक या पार्टिकल बम्बार्डमेंट गन, पार्टिकल बम्बार्डमेंट गन, ये जो है तीसरी विधि है यूकेरियोटिक कोशिका में पुनर्योजन डीएनए को स्थानांतरित करने की। इसे बोला जाता है जीन गन मेथड, या कहेंगे या जीन गन
मेथड, इस चीज को जो है यहाँ पे समझना है क्या है ये माइक्रो प्रोजेक्टाइल या बायोलिस्टिक या पार्टिकल बम्बार्डमेंट गन, ऐसे को बोला जाता है जीन गन मेथड, जीन गन मेथड। तो इस विधि का प्रयोग जो है किसने किया, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो उसका नाम है प्रोफेसर स्टैनफोर्ड व उनके सहयोगियों द्वारा। किसने किया, तो प्रोफेसर स्टैनफोर्ड व उनके सहयोगियों द्वारा इस विधि का प्रयोग किया गया। इसमें क्या किया जाता है कि स्मॉल पार्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है, अति सूक्ष्म पार्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है पुनर्युगज डीएनए को पोषक कोशिका में भेजने के लिए, और एक तरह से गन मेथड है, यानी कि गन की तरह जो है क्या किया जाता है कि इस पुनर्युगज डीएनए को पोषक कोशिका में स्थानांतरित किया जाता है। जैसे कि माइक्रो पार्टिकल क्या होते हैं, सबसे पहले माइक्रो प्रोजेक्टाइल में क्या किया जाता है, तो माइक्रो पार्टिकल का यूज किया जाता है, अति सूक्ष्म पार्टिकल्स का यूज किया जाता है, माइक्रो पार्टिकल। और माइक्रो पार्टिकल के रूप में जिस पार्टिकल का उपयोग किया जाता है वो है टंगस्टन या गोल्ड का, यानी कि स्वर्ण, टंगस्टन या गोल्ड का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। ये कितने सूक्ष्म पार्टिकल होते हैं, तो 1.3 माइक्रोमीटर व्यास के ये जो है पार्टिकल होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं ये पार्टिकल। अब इसे क्या किया जाता है कि गन मेथड से पोषक कोशिका के अंदर स्थानांतरित किया जाता है। चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो टंगस्टन या गोल्ड के स्मॉल पार्टिकल को, माइक्रो पार्टिकल को, 1 से 3 माइक्रोमीटर व्यास वाले पार्टिकल को यहाँ पे यूज में लाया जाता है। जैसे कि देखिएगा यहाँ पे ये जो है स्मॉल पार्टिकल है किसका, तो इस टंगस्टन या गोल्ड का, और इसी पर किसका कोटिंग किया जाता है, पुनर्योगज डीएनए का जो है इस पर जो है कोटिंग किया जाता है। तो यहाँ पे स्मॉल पार्टिकल जो है इसके ऊपर कोटिंग किया गया पुनर्युगज डीएनए का, और गन मेथड की सहायता से पोषक कोशिका के अंदर हम इसे स्थानांतरित करते हैं गन मेथड की सहायता से। चलिए ये भी देख लेते हैं गन मेथड। ये जो है क्या है, तो एक प्रकार की गन जैसा इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे जो है गन जैसा चीज़ है, ये गन जैसा, यहाँ पे जो है प्लास्टिक के पार्ट लगे होते हैं, यानी कि प्लास्टिक डिस्क विथ डीएनए कोटेड गोल्ड, प्लास्टिक डिस्क विथ डीएनए कोटेन गोल्ड है, डीएनए कोटेन गोल्ड ये है। और उसके बाद से यहाँ पे जो है जिसमें जिस सेल के अंदर, जिस कोशिका के अंदर, चाहे वो पौधा हो या जंतु, उसे इस डीएनए को पुनर्योगज डीएनए को स्थानांतरित करना है, उसको जो है इसमें रख देते हैं। ये जो है सेल है, ये जो है क्या है, तो सेल है। इस सेल में जो है क्या करना है, तो पार्टिकल को, इस पार्टिकल युक्त जिस पर की कोटिंग है डीएनए का, उसे क्या किया जाता है कि भेजा जाता है इस सेल में। ये क्या है, तो टारगेट प्लांट सेल इसे कहेंगे, टारगेट प्लांट सेल, टारगेट प्लांट सेल, ये टारगेट प्लांट सेल है।
अब इसमें क्या होता है कि बहुत ही महीन तेजी से ये जो है ये पार्टिकल आते हैं, बहुत ही तेजी से ये पार्टिकल्स जो है आते हैं, क्या है, गोल्ड पार्टिकल्स है, ये जो है गोल्ड पार्टिकल्स है ये वाला, इसे कहेंगे क्या चीज, तो डीएनए कोटेड गोल्ड पार्टिकल्स, डीएनए कोटेड गोल्ड पार्टिकल्स पार्टिकल्स। इसका फिगर जो है स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप जो है वहां से इसे खूब अच्छे से समझ सकते हैं। हमने जो है क्या किया, गन मेथड से इस प्लांट सेल में, टारगेट प्लांट सेल में जो पुनर्युगज डीएनए है उसको हमने भेज दिया। तो ये जो है तीसरा प्रोसेस है, और तीसरा प्रोसेस भी यहाँ पे समाप्त हो गया है। तो चारों प्रकार का हमने जो यहाँ पे मेथड लिया गया था पुनर्युगज डीएनए तकनीकी की क्रियाविधि में, चार चरण, और चारों चरण जो है हमने बता दिया है। अब आगे की वीडियो में हम बताएंगे कि ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए है इससे जो उत्पाद प्राप्त होता है उसका हम लाभदायी उत्पाद के रूप में कैसे प्रयोग में लाते हैं, इसके बारे में जो है हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो उम्मीद है कि एक चीज़ और कि इसका जो नोट्स है, ये जो पार्ट है जो माइक्रो प्रोजेक्टाइल या बायोलिस्टिक या पार्टिकल बम्बार्डमेंट गन, ये चीज़ का जो नोट्स है ये स्क्रीन पर आ रहा होगा, वहाँ से आप लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए नारायण सर क्लासेस के साथ।